My dear student, let us solve a question based on nuclear decay, radioactive decay. It is exercise 4.17 in your textbook. Kehta hai, during nuclear explosion, strontium 90 with half life 28.1 year was released. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में स्ट्रॉन्शियम रिलीज हुआ जिसका हाफ लाइफ दिया है 28.1 ईयर. वन माइक्रोग्राम वाज एब्जॉर्ब्ड, स्ट्रॉन्शियम का वन माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब हो गया इन द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम. एक बच्चे के बोन में वन माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब हो गया कैल्शियम की जगह. कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो कैल्शियम की जगह स्ट्रॉन्शियम एब्जॉर्ब हो गया. क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 इयर्स एंड 60 इयर्स. डीके अगर होगा रेडियोएक्टिव है तो 10 साल के बाद कितना अमाउंट बचेगा, 60 साल के बाद कितना अमाउंट बचेगा, इनिशियल अमाउंट कितना एब्जॉर्ब हुआ है, 1 माइक्रोग्राम. तो अब इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.693 बाई टी हाफ, 2.303 बाई टी लॉग एन नॉट बाई एन टी. देखिए हाफ लाइफ दिया है 28.1 इयर्स. हम 10 साल के बाद निकालने जा रहे हैं कितना बचेगा, तो टाइम हो गया 10 ईयर. इनिशियली 1 माइक्रोग्राम लिया हुआ है, एन नॉट 1 ले लिया और एन टी कितना बचेगा ये हमें सॉल्व करके निकालना है. तो देखिए लॉग 1 अपॉन एन टी विल बी इक्वल टू 0.693 इंटू 10 अपॉन 28.1 इंटू 2.303. अगर इसको इस तरह लिख लें हम लॉग एन टी तो माइनस साइन आ जाएगा. सॉल्व करने पे आ रहा है एंटी निकालने के लिए एंटी लॉग 0.78 माइक्रोग्राम स्ट्रॉन्शियम 10 साल के बाद बचा रह जाए. नोट कर लीजिएगा.
तो 10 साल के बाद इतना बचा। अगर एक पूछता कि 60 साल के बाद कितना बचेगा, दोनों में से एक ही पूछेगा, ऐसा नहीं कि दोनों सॉल्व कराएं, तो यहां पे टाइम क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, यहां पे 60 ले जाएगा। एंटी लॉग माइनस 0.642 आप नोट कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा मैं बता रहा हूं आपको, स्ट्रॉन्शियम बच्चे के बोन में बचा रह जाएगा 60 साल के बाद। जल्दी नोट कीजिएगा, एक नई टेक्निक आपको सिखानी है, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बेस्ड ऑन वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम के टर्म में कुछ न्यूमेरिकल अब तक आए हुए हैं, आपको टेक्निक हम सिखाना चाह रहे हैं कि इन न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है। देखिए ये रिलेशन तो आपको पता ही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का आर नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और आर टी है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। अब इसको बस यही एक स्टेप आपको थोड़ा सा याद करना होता है, आप यहां ये समझिए कि आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट, RT is proportional to V infinity minus VT. V infinity का मतलब है at infinite time जब reaction लगभग पूरा हो रहा है। तो ये formula ऐसा है कि volume किसी solution का दिया है तब भी लगा दो, volume किसी gas का दिया है
तब भी लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है, इफ वी नॉट इज नॉट गिवेन, अगर इनिशियल वॉल्यूम गिवेन नहीं है तो फार्मूला ये हो जाएगा। If V infinity is not given, तो फॉर्मूला हो जाएगा V naught by Vt। अब हम आपको बाद में के टर्म में क्वेश्चंस करके दिखाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे अप्लाई करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 2008 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ, कहता है द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड वॉज मेजर्ड by titrating the solution with acidified KNO4 following results were obtained। टाइम मिनट में और वॉल्यूम ऑफ KNO4 मिलीलीटर, जीरो टाइम पे 22.8 ml, 10 मिनट के बाद 13.8 ml, 20 ml के बाद 8.3 ml। कहता है कि शो दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा है कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट, क्वेश्चन नोट कीजिए पहले आपको।
देखिए इस क्वेश्चन को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कैसे? लेट अस सपोज रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा देखिए जीरो टाइम पे वॉल्यूम गिवन है, 10 मिनट पे, 20 मिनट पे, इनफाइनाइट पे नहीं गिवन है। तो यानी अगर इनफाइनाइट पे नहीं गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। देयरफॉर के विल बी इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग वी नॉट बाय डीटी। अब कैसे लगाएंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड? पहले तो हम निकालेंगे 10 मिनट पे रेट कांस्टेंट, फिर निकालेंगे 20 मिनट पे रेट कांस्टेंट। अगर दोनों टाइम इंटरवल पर रेट कांस्टेंट लगभग सेम आता है तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन सही है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है। लेकिन अगर अलग आ गया तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है, ये फर्स्ट ऑर्डर को बिलोंग नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम 10 मिनट पर रेट कांस्टेंट निकालें। एट 10 मिनट इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने जा रहे हैं 2.303 बाई 10 लॉग वी नॉट है कितना 22.8, वीटी कितना है 13.8। इसको सॉल्व करके हम के का वैल्यू निकालेंगे। आ रहा है 0.0502 मिनट इनवर्स 10 मिनट पे के का वैल्यू आ गया 0.0502 मिनट इनवर्स। एक बार और चेक कर लें। सही। अब इसके बाद हम 20 मिनट पे निकालेंगे और निकाल के देखेंगे कि क्या रेट कांस्टेंट पहले जैसा ही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। एट 20 मिनट तो यहां 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8.3। अब देखते हैं क्या आ रहा है, के का वैल्यू निकाल के चेक करते हैं। ये 8.3 है, .505 मिनट इनवर्स 20 मिनट पे आ गया 0.0505 मिनट इनवर्स। तो देखिए लगभग सेम ही आ रहा है, इसका मतलब हमने जो एज्यूम करके चले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो सही है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है। लेकिन इसमें क्या सेंटेंस लिखना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। Values of rate constant at different time interval
आर सेम, हैंस आवर एजम्पशन इज करेक्ट एंड रिएक्शन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर. अगर फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता तो 10 और 20 मिनट पे रेट कांस्टेंट सेम नहीं आता, क्योंकि फार्मूला हम फर्स्ट ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं. फिर कहता है रेट कांस्टेंट का वैल्यू बताओ. तो सेकेंड पार्ट में के निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज निकालना पड़ेगा. नोट कर लीजिएगा. देखिए यही क्वेश्चन एक बार और आया था. मैं क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा घर पे, आप अपने आप करिएगा इसको. क्वेश्चन मैं लिख देता हूं. सेम मेथड सेम प्रोसीजर, डाटा डिफरेंट है. कहता है कैटेलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 वाज स्टडीड बाय टाइट्रेटिंग इट एट डिफरेंट इंटरवल. KmNO4 following results were obtained. Time second में दिया है इस बार. Volume of कैमरो 4 मिलीलीटर में है. 0 सेकेंड पे 22.8, 600 सेकेंड पे 13.8, 1200 सेकेंड पे 8.3. देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया इन्होंने, मिनट की जगह क्या ले लिया है, सेकेंड, डाटा वही है, सब कुछ वही है. आप समझिए कि ये क्वेश्चन दो बार इस तरह से आया हुआ है.
तो आई होप यू कैन सॉल्व इट. अब हम लोग को जो टॉपिक अब आगे पढ़ना है वो है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. थोड़ा इसमें इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूं आपको. देखिए स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स. स्यूडो का मतलब फॉल्स. ए रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड यूजिंग रेट लॉ. Is called pseudo order reaction. क्या मतलब, नोट कीजिएगा पहले. रेट ला से मान लीजिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर 2 होगा, लेकिन एक्चुअल में निकाला तो 1 आ गया, तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के दो एग्जांपल हम यहां पे बता रहे हैं आपको. इसके क्वेश्चंस भी एक दो क्वेश्चन हम लोग को करने हैं. मैं आपको बता रहा हूं पहले एग्जाम्पल. इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में केन सुगर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है, और पहला वाला इक्वेशन में एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन रहा है. तो इस तरह से ये हमने एग्जांपल बताया आपको. अब इसका ऊपर एक दो क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को. एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, हालांकि अभी तक आया नहीं है, उसको सॉल्व जरूर करना, कभी भी आ सकता है. इस साल वैसे भी बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो जो जितने टॉपिक बचे हैं उसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो इसको रिवाइज कीजिएगा. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सेशन. टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड लक.